नमस्कार साथियों, मैं हूं आयुष वैष्णव और आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित दो मुख्य जगहों के बारे में, जहां पर जनता अपनी समस्याओं के निवारण हेतु जाती है, और वो भी इस आशा के साथ कि वहां पर उनकी समस्याओं का निवारण होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के घड़ी चौक में स्थित DKS हॉस्पिटल और जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा घड़ी चौक में स्थित DKS हॉस्पिटल के बारे में, जहाँ की खराब स्वच्छता और अव्यवस्था के बारे में हम आपको रूबरू कराते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ ये है हमारे रायपुर का DKS हॉस्पिटल, जहाँ पे मरीजों के परिजन भेड़ बकरियों की तरह इस गंदी जगह में ठहरे हुए हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, रायपुर के DKS हॉस्पिटल में मरीजों के परिजन किस तरह भेड़ बकरियों की तरह इस परिसर में पड़े हुए थे। मेरा ये सवाल है कि ये परिजन अपने मरीज परिजनों की स्वच्छता और स्वास्थ्य ठीक होने के लिए इस हॉस्पिटल में आए, लेकिन इस गंदगी में वो रह रहे हैं, तो क्या वो बीमार नहीं होंगे? क्या वो अस्वस्थ नहीं होंगे? शासन इस विषय में क्या कर रही है? हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत भी की, आप देख सकते हैं कि लोगों की यहाँ की राय क्या है इस अस्वच्छता के बारे में। तो अंकल जी, आप लोग कितने दिन से यहाँ पर उपस्थित हो? कितना दिन हो गया? फिर भी जब से इलाज यहीं पर, और यहाँ पे आसपास गंदगी है कि नहीं है? हाँ, गंदगी है। आप लोग को इसी गंदगी में रहना पड़ता है? तो आप लोग यहाँ पर ठीक होने के लिए आए हो, और इस गंदगी में रहोगे तो और तो बीमार हो जाओगे ना? क्या करेंगे, हम लोगों मजबूरी है। आज मैंने मरीजों के परिजन से बात करते हुए एक ऐसे परिजन से मुलाकात की जो बहुत ज़्यादा दुखी थे, कारण उनकी माताजी आग में झुलस गई थी। और जब हमने उनसे बातचीत की तो हमें कुछ इस सच्चाई का सामना करना पड़ा। मेरे वहाँ आग में जल गया भाई। आपकी माता श्री आग में जल गई? हाँ, यही है भाई, अभी आज ही तो लाया हूँ मैं सुबह से। तो उनके साथ कौन है? मेरे पिताजी है। और आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिए? नहीं, अंदर तो अब कहाँ बैठेंगे भाई, यही है आज ही आया भाई बाजार। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगी आपकी माता जी। तो जो भी उधर पे काम चल रहा था आपकी माता जी का, इलाज पानी का, वो उस टाइम पे हुआ कि थोड़ा सा लेट हुआ? ठीक है भाई, अब सरकारी है, कैसे बोल, टाइम फ्री है और नहीं भी है, लेट में तो होता भाई, आने जाने में होता। और आप लोग को यहीं इसी गंदगी में रहने के लिए बोल दिया गया? अब है कहाँ, उधर जगह तो यही है, कहाँ जाके कोनो बैठेंगे, खाना खाने की जगह ना कुछ नहीं है। तो आप लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा भाई, कर रहे हैं भाई। जैसा कि अभी आपने देखा, उस वृद्ध औरत की जो आग में झुलस गई थी, उनके बेटे से बात करने पर यह पता चला कि उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, और उनकी माताजी के साथ सिर्फ उनके वृद्ध पिताजी मौजूद थे। क्या ये नियम गलत नहीं है कि एक वृद्ध औरत जो आग में झुलस गई है, उनके साथ सिर्फ उनके पति को, जो बुजुर्ग है, सिर्फ उन्हें जाने दिया गया, उनके बेटे को अंदर जाने भी नहीं दिया गया? और जब हमने उनसे सवाल किया कि आपको समय पे उपचार मिला कि नहीं मिला, तो उनका जवाब कुछ ये था कि सरकारी हॉस्पिटल है, इससे ज़्यादा हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। मतलब कि लोगों के मन में सरकारी हॉस्पिटल को लेके ये बातें उनके मन में चलती है। इस चीज़ में क्या गलती शासन की और हॉस्पिटल के आरक्षकों की नहीं है? इन सब विषय में ध्यान देना चाहिए। और अब हम बात करेंगे दूसरे मुद्दे के बारे में, जो है रायपुर के घड़ी चौक में ही स्थित जिला कलेक्टोरेट के बारे में, जिसका हाल आप स्वयं ही देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आप ये जो फुटेज देख रहे हैं, ये मैंने खुद ही रिकॉर्ड किया है वहां अंदर जाके। ये हाल है रायपुर के जिला कलेक्टोरेट का, जहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कि यहाँ पर कितनी गंदगी और अव्यवस्था फैली हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कलेक्टोरेट के स्टार्टिंग पॉइंट में ही यहाँ पर पूरा पानी जमा हुआ है, और साथ में कचड़ों का भी कोई निवारण नहीं हुआ है। और थोड़ा आगे और चलने पर आप देख सकते हैं कि कैसे पौधों की जो क्यारियाँ होती है,
जहाँ पर सुंदर सुंदर वृक्ष बोए जाने चाहिए, वहाँ पर किसी ने गुटखा खा के थूका है, कहीं किसी सरकारी अफसर ने चाय पी के वहाँ पर फेंका है, किसी ने नाश्ता वास्ता करके जो भी गंदगी था वो सब इसी परिसर में फेंक दिया है। साथ यहाँ पर कई जगहों पर ईंट वीट ये सब भी टूटी फूटी अवस्था में पड़ी हुई है। और जब हमने एक दो वहाँ के आदमियों से बातचीत की तो वो लोग बोलने से भी डरे। कारण ये कि अगर हम कलेक्टोरेट के बारे में कुछ बोल देंगे तो हमारा काम नहीं होगा, या फिर उनके ऊपर ऊपर से दबाव बनाया जाता है। क्या ये व्यवस्थाएँ सही हैं? जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये है जिला कलेक्टोरेट रायपुर, जहाँ पे स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सड़क विभाग, ना जाने कितने सारे विभाग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बावजूद जिला कलेक्टोरेट में प्रवेश करने के लिए जो सड़क बनी है छोटी सी, वहाँ पर सड़क के आइट साइड अगल बगल में ही पूरे पानी जमा होके रखे हैं। और अगर बात की जाए स्वच्छता विभाग की, तो यहाँ पर कचड़े कितने पूरे फैले हुए हैं। क्या इनसे आदमी बीमार नहीं होंगे? क्या ये सब व्यवस्थाओं पर छत्तीसगढ़ शासन को ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या कलेक्टोरेट की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन सब मुद्दों पर ध्यान दे? आगे की और खबरों के लिए देखते रहिए दबंग राजधानी। हम उठाएंगे मुद्दे जो हैं आपके।